तो आज एक मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है, इसमें प्रॉब्लम है कि ये मेरा फाइनली ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो तो अभी फाइंड आउट करूँगा, बट अभी बस बोर्ड को देख लेते हैं कि कहीं प्रॉब्लम है क्या। ये तो बिल्कुल मुझे कहीं प्रॉब्लम ऐसा नज़र फिलहाल नहीं रहा है। कि मैं इसको पार्ट नंबर आप लोग को दिखा दूँ, ये मेरा पार्ट नंबर है LAD562P, ये इसका पार्ट नंबर है। इसमें लेनोवो में देखिए आपका ग्राफिक्स के साथ में है ये, इधर तो मुझे कहीं भी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ नहीं रहा है इस पे। चलिए अब इसे एक एक करके कॉइल का जो हर फ्रिक्वेंसी को पहले चेक करते हैं, वो तो मेरा पहला स्टेप है। उसके बाद सप्लाई डालेंगे, उसके बाद सप्लाई चेक करेंगे फिर। चलिए अब चेक करेंगे इसका इन्फिडेंट, क्योंकि इन्फिडेंट भी चेक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसका इन्फिडेंट थोड़ा सा हर कॉइल का चेक करते हैं और इस पे देखते हैं कि ये मेरा क्या बताता है। आप मल्टीमीटर भी देख सकते हैं। ये तो मुझे ग्राउंड बीप दे रहा है, इस पे 100 समथिंग है, ठीक है। इस पे क्या दे रहा है, इस पे भी 30, 34, 33। अब सीधे सीधे जैसे इसे रखते जा रहा हूँ इसका बढ़ते ही जा रहा है। अभी 46, 47, 41 इस कॉइल पे। तो डायग्राम देखने के बाद पता चलेगा कि इस कॉइल का किस चीज़ से कनेक्टेड है, उसी बीच से फाइनली प्रॉब्लम पता चलेगा। ये भी मेरा फाइनली बीप दे रहा है, ये भी मेरा शॉर्टिंग बता रहा है। अब बीप इसका सुन सकते हैं कंटिन्यू, जबकि शॉर्टिंग नहीं देना चाहिए था। दे रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू है इस पे। इसमें तो 100 मतलब दो कॉइल में बीप मुझे मिला है, तो दो कॉइल का बीप में मुझे कोई इशू तो फाइनली ज़रूरी नहीं होगा इस पे। ये मेरा डीसी में एम्पियर देखिए अप एंड डाउन 13, 7, 13, 7, 13, 7। ये मेरा फाइनली प्रॉब्लम कर रहा है, कभी 6, कभी 7, ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा है जब मैं इसका जेक में लगाया हूँ। अब इस पे मुझे 19 वोल्ट जेक में मिला, तो जेक के बाद ये मेरा माउसपेड दो दिख रहा है मुझे। तो दोनों माउसपेड का नंबर थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आप लोग को, ये PQ302 है और एक PQ303। तो चलिए इसको डायग्राम में एक बार सर्च करते हैं और देखते हैं इस पे क्या बता रहा है। तो ये डायग्राम पे आ गया है। अब उसका अपना जो रेजिस्टेंस था माउसपैड था उसे एक बार सर्च करते हैं, PQ303 इंटर। मेरा जो माउसपैड है ये मुझे मेन माउसपैड है, ये आप देख सकते हैं 19 वोल्ट का बिल्कुल। ये PQ302 है और ये PQ303 है, ये मेन माउसपैड ही है बिल्कुल। तो चलिए एक बार इसे फाइनली चेक करते हैं अब इसे। तो ये मेरा माउसपैड है जो मिल गया मुझे, ये PQ303 है और ये मेरा PQ302 है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो इधर मुझे 19 वोल्ट मुझे मिलना चाहिए था, बाकी लिखा भी है 19 वोल्ट। तो चलिए अब एक बार इसे फाइनली चेक करके देखते हैं इस पे।
कि ये मेरा 19 वोल्ट है कि नहीं है। एक बार फिर से चेक डाल लेते हैं, और पी क्यू मेरा शो किया था पी क्यू 2 में, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है, तो इसमें 19 वोल्ट शो किया था। तो चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं, एक लगाते हैं, अब इसको 19 वोल्ट एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 20 वोल्ट, ओके, बिल्कुल ये मेरा 20 वोल्ट बिल्कुल सही है। ये साइड मुझे गेट में आउट नहीं हो रहा, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये साइड मुझे फाइनली आउट नहीं हो रहा 19 वोल्ट। तो एक तो ये माउसपैड ख़राब होगा या फिर मेरा चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ इसका गेट जो एनेबल करता है डायग्राम में, मैं आपको दिखा दूँ वो सीधे चार्जिंग आईसी से ही कनेक्टेड है। ये आप इसका चार्जिंग आईसी देखिए सर्किट में, आप इसका देख सकते हैं बिल्कुल, इसका जो गेट है ये गेट सीधे आप यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से बाद आने के बाद इधर पहुँच जाता है, तो इधर नीचे चार्जिंग आईसी होगा। यहाँ पे जो मैं आप लोग बताऊँ, इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट ये चार्जिंग आईसी पा जाता है, ये रेजिस्टेंस या फिर आईसी, इसका गेट को एनेबल नहीं करता होगा तो प्रॉब्लम करता है। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं, इसके साथ में ये बिल्कुल कनेक्टेड है, और इसके में फिर इधर भी कनेक्शन, ये कहाँ पे कनेक्शन लेके जा रहा। अच्छा इस पे पी क्यू 301, तो इस पे भी एक बार चेक करते हैं, इसके वजह से भी प्रॉब्लम करता है कभी कभी, तो एक बार इसे भी फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं। ये पी क्यू 301 ये साइड में तो मुझे नज़र नहीं आया, इसका बैक साइड पे एक बार देख लेते हैं फाइनली। पी क्यू 301 यस, ये मुझे फाइनली मिल चुका है, ये है बिल्कुल, आप देख सकते हैं पी क्यू 301, तो ये मेरा मिल चुका है। जब एक भी साइड में डायग्राम के हिसाब से एक साइड में 19 वोल्ट होना चाहिए, सोर्स में गेट में ग्राउंड होना चाहिए, और ड्रेन में कितना सप्लाई है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए अब सप्लाई चेक कर लेते हैं, जैसा डायग्राम बता रहा उसके अकॉर्डिंग पे ये सप्लाई मैंने आपको बताया था। अच्छा ये मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल ही नहीं है, इस पर किसी पे सप्लाई नहीं है, और इसका कंट्रोल डायरेक्ट चार्जिंग आईसी ही इसको कंट्रोल करता है। एक बार चार्जिंग आईसी का सारा वोल्टेज को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, और किस पिन में कौन सा पिन में क्या सप्लाई मेरा शो कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं। ये जो मुझे चार्जिंग आईसी मिला है मैं आपको दिखा दूँ, ये चार्जिंग आईसी का नंबर बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये मेरा आईसेल का आईसी है, तो 739 ये मेरा आईसेल का आईसी है चार्जिंग आईसी। इसका पिन का सारा डिटेल से एक चीज़ चेक करते हैं, इनपुट आउटपुट इसकी क्या सप्लाई मिल रहा है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में मुझे 19 वोल्ट मिलना चाहिए था, तो चलिए एक बार देख लेते हैं पिन नंबर 9 1 और 2 में क्या सप्लाई बना रहा है इस पर। ये साइड पे है तो ये साइड एक बार चेक करते हैं, 1 और 2 मेरा तो सप्लाई ही नहीं है 1 और 2 में। पिन नंबर 1 एक बार अच्छे से चेक करते हैं, पिन नंबर 1 में बताना चाहिए सप्लाई इसको, कि मुझे सप्लाई तो बता रहा है। चलिए एक बार आईसी को ही एक बार अच्छे से इसका सप्लाई को चेक करना पड़ेगा मुझे। अब पावर वगैरह तो सारा कुछ डाला हूँ, बस डाल के अब मैं इसका चार्जिंग आईसी का सप्लाई ऑलरेडी आईसी को मैं चेंज कर चुका हूँ, और मेरा ऑलरेडी सप्लाई पास भी हो चुका है। मैं आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि मुझे चार्जिंग आईसी पे ही शक और डाउट फील हो रहा था कि मुझे चार्जिंग आईसी के अकॉर्डिंग ही मेरा प्रॉब्लम कर रहा है,
तो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं मेरा मीटर का सप्लाई भी कि मेरा ऑलरेडी 19 वोल्ट बिल्कुल 20 वोल्ट जो सप्लाई है लेनोवो का वो मेरा मिल चुका है, जबकि इस माउसपैड का मेरा कोई फॉल्ट नहीं था और इस माउसपैड का भी कोई फॉल्ट नहीं था, तो मेरा ऑलरेडी 19 वोल्ट मिल चुका है। अब मैं ओके कंडीशन में जो चार्जिंग आईसी का सर्किट क्या सप्लाई देता है मैं वो आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। पिन नंबर 1 पे मेरा है 2.2 वोल्ट है, ये मेरा 3.1 वोल्ट है पिन नंबर 2 पे, और पिन नंबर 3 और 4 में चेक करते हैं थोड़ा, इसमें तो डाटा है 3 और 4 में, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 नंबर मेरा पिन कहाँ शो कर रहा है, ये मेरा 3.3 वोल्ट 3 और 4 है मेरा, दोनों मेरा सेम है 3.3 वोल्ट दोनों। नंबर 5 एक बार चेक कर लेते हैं, और 5, 6, 7 में क्या सप्लाई है थोड़ा देखते हैं, मेरा कोई सप्लाई नहीं है, 7 में भी कोई सप्लाई नहीं मिला मेरा, ठीक है कोई सप्लाई नहीं, कोई सप्लाई नहीं, 8 में भी मेरा कोई सप्लाई नहीं मिला, मतलब आप में आपका 5, 6, 7, 8 इसमें आपका कोई सप्लाई नहीं मिला। पिन नंबर 9 में मेरा कोई सप्लाई नहीं मिला, 10 में भी नहीं मिला, 11 में भी कोई सप्लाई, मेरा जो पिन नंबर 11 में कोई सप्लाई नहीं मिला, 12 में भी कोई सप्लाई नहीं, पिन नंबर मेरा 13 में 2.8 वोल्ट है, और 14, 15 मेरा तो ऑलरेडी सप्लाई वगैरह सारा कुछ मिल चुका है। अब इसे एक बार फाइनली गेट ऑन करके एक बार देखते हैं, मेरा अगर मशीन ऑन हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, चार्जिंग आईसी ही तक रह गया और चार्जिंग आईसी तक ही मेरा क्लियर हो गया, तो आईसी चेंज करने के बाद मुझे अब गेटिंग ऑन तो देख लेते हैं कि मेरा कर क्या रहा है। अब फैन लगा चुका हूँ, अब थोड़ा सा ऑन करता हूँ इस पर, यस अब फैन रोटेशन ऑलरेडी हो रहा है मेरा, मशीन ऑन हो चुका है मेरा, आप डीसी का एम्पियर भी बिल्कुल देख सकते हैं, मेरा 500, 600 जो एम्पियर बिल्कुल जा रहा है इस। चलिए अब इसमें एक बार फाइनली कीबोर्ड लगा के एक बार चेक करते हैं, ये कीबोर्ड तो ऑलरेडी लगा लेते हैं, कीबोर्ड लग चुका है, अब देखते हैं डिस्प्ले, यस मेरा फाइनली कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले बिल्कुल मेरा आ चुका है। चलिए अब एक बार स्क्रीन में लगा के एक बार फाइनली एक बार चेक करते हैं। चलिए अब जेक वगैरह सारा कुछ लगा चुका हूँ, अब जेक लगा के उस पर लगा के एक बार फाइनली चेक करना पड़ेगा मुझे, यस अब चलिए अब इसका एक स्विच है इसे ऑन करते हैं, यस ये ऑन कर दिए, ये ऑन करने के बाद डिस्प्ले मेरा फाइनली आ चुका है, ये मेरा चार्जिंग आईसी का प्रॉब्लम था।